हेलो बच्चों, आज हम अध्याय पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के भाग एक पे चर्चा करेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के प्रकार पर, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल में स्थल मंडल पर और महाद्वीप पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं हम पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल से। बच्चों, क्या आप जानते हो हमारी पृथ्वी जो है वो एक अनोखा ग्रह है। अनोखा ग्रह इसलिए है क्योंकि यही एकमात्र ग्रह है जहां जीवन पाया जाता है, और सिर्फ जीवन ही नहीं, जीवन के लिए आवश्यक सभी चीजें जैसे भूमि, जल, हवा यहाँ पे सब पाई जाती है। बच्चों, पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसे पर्यावरण के तीनों महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। बच्चों, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के प्रकार की अगर हम बात करें तो ये मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला स्थल मंडल, जिसे हम लिथोस्फीयर भी कहते हैं। दूसरा जल मंडल, जिसे हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। और तीसरा वायुमंडल, जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल पे जारी रखते हैं, और अब हम बात करेंगे स्थल मंडल की। बच्चों, सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि स्थल मंडल होता क्या है। तो बच्चों, पृथ्वी की सतह के ठोस भाग को भूमंडल या स्थल मंडल कहा जाता है। यह वही भाग होता है जिस पे हम निवास करते हैं। बच्चों, यह भूपट्टी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परत से बना होता है। स्थल मंडल मानव के रहने के लिए, भूमि पेड़ पौधों को उगाने एवं वृद्धि के लिए मृदा प्रदान करती है। बच्चों, इससे हमें विभिन्न प्रकार के खनिज भी प्राप्त होते हैं जो हमारे आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। बच्चों, अगर हम पृथ्वी की सतह को देखें तो इसे दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग जो है वो है महाद्वीप, और दूसरा जो है वो है महासागरीय बेसिन। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल पे जारी रखते हैं। हम बात कर रहे हैं स्थल मंडल की। बच्चों, अगर हम बात करें पृथ्वी की सतह, तो पृथ्वी की सतह पर 29% भाग पर महाद्वीपों का विस्तार है, और बाकी के 71% भाग पे महासागरीय बेसिन का विस्तार है। बच्चों, ये महासागरीय बेसिन जो है बड़े जलाशय होते हैं। बच्चों, अगर हम स्थल मंडल की ऊंचाई की बात करें तो ये समुद्र तल से लगभग 700 मीटर ऊंचा है। बच्चों, स्थल मंडल के विभिन्न स्थानों की ऊंचाई अलग अलग होती है, जबकि समुद्री जल का तल सभी जगह एक समान होता है। इसलिए स्थल की ऊंचाई को समुद्र के तल से मापा जाता है, और जहां पे समुद्र तल की ऊंचाई को जो है शून्य माना जाता है। बच्चों, पृथ्वी पे सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट एवरेस्ट की है, और ये समुद्र तल से 8,848 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है। वहीं पृथ्वी की सबसे गहरी गर्त मरियाना गर्त, जो कि प्रशांत महासागर में है, इसकी गहराई जो है समुद्र तल से 11,022 मीटर है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम चर्चा करेंगे स्थल मंडल पर। बच्चों,
पे अगर हम बात करें महाद्वीप की, तो यह मुक्त 7 महाद्वीप हैं, जो जलाशयों के कारण एक दूसरे से अलग हैं। 7 महाद्वीप में अफ्रीका, यूरोप, एशिया, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका आती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इन महाद्वीपों पे एक-एक करके चर्चा करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम एशिया से। बच्चों, ये एशिया का मानचित्र है। एशिया जो है सभी महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप है और पृथ्वी के भूभाग का लगभग एक तिहाई हिस्सा अर्थात 29.6% एशिया महाद्वीप में आता है। बच्चों, ये महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और एशिया जो है कर्क रेखा से गुजरती है। बच्चों, पश्चिम में यूराल पर्वत एशिया और यूरोप को अलग करता है। तो बच्चों, एशिया और यूरोप को सम्मिलित रूप से जो है यूरेशिया कहा जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा महाद्वीप पे जारी रखते हैं और अब हम चर्चा करेंगे अफ्रीका पे। बच्चों, ये अफ्रीका का मानचित्र है। अफ्रीका जो है वो महाद्वीपों में दूसरे नंबर पे आता है और अफ्रीका का अधिकांश हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। बच्चों, आपको पता है अफ्रीका ही एक इकलौता महाद्वीप है जिससे होके 3 मुख्य समांतर रेखाएं जैसे कि विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है। बच्चों, विषुवत रेखा अफ्रीका के लगभग बीचों बीच से होके गुजरती है और जहां पे दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल सहारा मरुस्थल पाया जाता है, यहाँ पे सबसे लंबी नदी नील नदी स्थित है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा महाद्वीप पे जारी रखते हैं और अब हम चर्चा करेंगे उत्तरी अमेरिका पे। बच्चों, ये उत्तरी अमेरिका का मानचित्र है। उत्तरी अमेरिका जो है तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका आपस में पनामा स्थल संधि द्वारा जुड़े हुए हैं। बच्चों, उत्तरी अमेरिका उत्तरी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा हुआ है। ये महासागर है अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा महाद्वीप पे जारी रखते हैं। अब हम चर्चा करेंगे दक्षिणी अमेरिका पे। बच्चों, आप दक्षिणी अमेरिका का मानचित्र देख सकते हैं। ये जो है महाद्वीपों में चौथे सबसे बड़ा महाद्वीप है। बच्चों, दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और ये महाद्वीप जो है 2 महासागरों से घिरा हुआ है, अटलांटिक और प्रशांत महासागर, जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हैं। बच्चों, एंडीज जो दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है वो दक्षिण अमेरिका में ही स्थित है। यहाँ पे दुनिया की सबसे विशाल नदी अमेजन नदी भी इसी महाद्वीप में स्थित है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा महाद्वीप पे जारी रखते हुए अब चर्चा करेंगे अंटार्कटिका पे। बच्चों, ये अंटार्कटिका का मानचित्र है। ये 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है और यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। बच्चों, दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के केंद्र में स्थित है। इस महाद्वीप में मनुष्य का स्थायी निवास नहीं है क्योंकि जहां हमेशा मोटी बर्फ की परतें भरी पड़ी रहती हैं या
ये मोटी बर्फ की परतों से ढका हुआ रहता है। बच्चों, इस महाद्वीप पे कई देशों ने शोध केंद्र खोले हैं। जैसे कि अगर हम उदाहरण लें भारत के शोध केंद्र के, तो मैत्री और गंगोत्री, ये दो शोध केंद्र इस महाद्वीप पे स्थित हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा महाद्वीप पे जारी रखते हैं। अब हम चर्चा करेंगे यूरोप पे। ये यूरोप का मानचित्र है। बच्चों, यूरोप जो है छठा सबसे बड़ा महाद्वीप है और ये एशिया की तुलना में बहुत ही छोटा है। बच्चों, ये एशिया के पश्चिम में स्थित है और ये तीनों तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है, जैसे कि आप इस मानचित्र में देख सकते हैं। चलिए बच्चों, अब हम बताते हैं कि यूरोप से होके आर्कटिक वृत्त गुजरता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा महाद्वीप पे जारी रखते हुए अब हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पे चर्चा करेंगे। बच्चों, ये ऑस्ट्रेलिया का मानचित्र है। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है और ये पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये चारों ओर से समुद्र से घिरा है, जिसके कारण इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। तो बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या सीखा। तो इस वीडियो में हमने पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के प्रकार, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल में स्थल मंडल तथा महाद्वीपों पे चर्चा की और इनका रेफरेंस है भूगोल कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक। और बच्चों, अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे जल मंडल पे, महासागर पे, वायुमंडल पे और जैव मंडल पे। तब तक के लिए धन्यवाद।